What's up everyone? Welcome back to the channel. Chapter 1 हम लोगों ने complete करा है और आज हम लोग start करने वाले हैं Chapter 2. That is the forms of business organizations. Chapter 1 में एक history वाला part है जिसका एक specific video है, separate video है जो आप लोगों के पास इसी chapter के बीच में कभी आ रहा होगा because वो edit पे है एंड उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज थे, साउंड इश्यूज थे, तो उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वो आपके पास जल्दी आ जाएगा. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कितने तरीके के बिजनेस आप लोग कर सकते हो. मतलब अगर आपका 11th 12th के बाद मन करे या अभी मन करे कि यार बिजनेस करूं, तो कौन कौन से बिजनेस होते हैं, आपके पेरेंट्स कौन से बिजनेस कर रहे हैं. आ जाओ जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बिजनेस. लेट्स बिगिन. तो गाइज इस चैप्टर का हमारे पास जो नाम है वो ही क्या है, द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. देखो जब मैंने आपको चैप्टर 1 खत्म किया था तो उसमें भी लास्ट टॉपिक यही था कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करना पड़ता है बिजनेस चालू करने से पहले. तो हमारे आसपास यार इतने सारे बिजनेस होते हैं, आप देखते हो कुछ पार्टनरशिप्स होती हैं जिसमें 2 या 3, 4, 5 लोग मिलके पार्टनर्स बन के काम कर रहे हैं. कुछ कंपनीज होती हैं, कुछ अकेले लोग चला रहे होते हैं, जैसे छोटी मोटी टेलर शॉप्स होती हैं, ग्रॉसरी शॉप्स होती हैं, मेडिसिन शॉप्स होती हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, इस तरीके की दुकानें होती हैं. तो कितने तरीके के अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. तो बेसिकली जो हमारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं वो 5 तरीके के आते हैं. सबसे पहला होता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप. दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस. तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस. फिर होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. और फिर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो ये 5 टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली बड़ा चैप्टर है, 5 से 7 क्लासेस लेगा, 8 क्लासेस भी ले सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बुक का वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है. बट आज की क्लास में हम इस फॉर्म को खत्म करने की कोशिश करेंगे, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं, फिर 4 बचेंगे अगली क्लासेस में देखेंगे. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, देखो यार सोल और प्रोप्राइटरशिप 2 शब्दों से मिलकर बनाए, एक तो सोल और प्रोप्राइटरशिप. सोल का मतलब है सिंगल, अकेला, अलोन, बेचारा अकेला इंसान. प्रोप्राइटरशिप का मतलब हो गया कि बिजनेस को चलाने वाला इंसान, उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, यानी मालिक, ओनर. ओनर को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर. तो ऐसा बिजनेस जो एक अकेला इंसान, अकेला बिजनेसमैन चला रहा है, उसको क्या हम बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. हमारे मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होते हैं. कि जैसे सपोज मेरे फादर की अगर एक गारमेंट शॉप है या कोई कपड़े की दुकान है, तो वो भी एक सोल प्रोप्राइटर है, वो अकेला बिजनेस चला रहे हैं. पॉइंट समझ रहे हो, समझ में आई बात. तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें सिंगल ओनर काम कर रहा हो, उसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं, ठीक है. ये कैसा होता है जी, सिंपलेस्ट फॉर्म है, बहुत आसान, कुछ इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. आपका जब मन करे आप इस बिजनेस को ओपन कर सकते हो, जैसे चलाना चाहो चला सकते हो. सिंगल ओनर इसमें हमें देखने को मिलता है, एक अकेला ओनर होता है जो कि अपनी ही स्किल्स पे बिजनेस को चला रहा होता है. स्मॉल स्केल पे काम हो रहा होता है, बहुत छोटे स्केल पे काम हो रहा होता है, कोई बहुत लार्ज स्केल पे काम नहीं हो रहा इसमें. पर्सनलाइज सर्विसेज, आपको स्पेशल अटेंशन मिलेगी. आप जब भी एक सोल प्रोप्राइटर के पास जाओगे वो आपको पर्सनली चीज़ें बेचने की कोशिश करेंगे, पर्सनलाइज सर्विसेज. एग्जाम्पल्स में टेलर शॉप लिख सकते हैं, ब्यूटी पार्लर्स लिख सकते हैं, स्टेशनरी लिख सकते हैं, मेडिसिन शॉप लिख सकते हैं, इस तरीके की सारी दुकानें जो एक अकेला ओनर चला रहा है. हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी अकेले बिजनेस चला रहे हों, वो सब सोल प्रोप्राइटर्स हैं, ठीक है. अब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं जी, फीचर्स जिसने ध्यान से पढ़ लिए उसका काम हो गया, क्योंकि यहीं से मेरिट्स बनेंगे, यहीं से डीमेरिट्स बनेंगे. सबसे पहला फीचर क्या है जी, सबसे पहला फीचर है इसका फॉर्मेशन और इसका क्लोजर. तो फॉर्मेशन और क्लोजर की मैं जब भी बात करता हूँ तो इसका फॉर्मेशन एज वेल एज क्लोजर दोनों ही इजी हैं. इजी का मतलब कि हमारे पास अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी. रजिस्ट्रेशन वगैरह भी ऑप्शनल होता है ज़्यादातर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में. अगर मैं कोई अजीब ही बिजनेस करने लगूँ जिसमें लाइसेंस कंपलसरी है तो वहाँ थोड़ी सी पेपर वर्क हो सकता है, बट अनलेस एंड अदरवाइज एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एक सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाता है. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह नहीं होती, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह का चक्कर नहीं होता, बस आपके पास एक दुकान होनी चाहिए और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. यानी इसका फॉर्मेशन भी आसान है और क्लोजर भी आसान है, तो ईजी में जाता है, इसीलिए ये इसका एक मेरिट भी बन जाता है.
ये इसका एक मेरिट बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, प्लस पॉइंट बन जाता है कि बनाना भी आसान है यार, बंद करना भी आसान है। लाइबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो दिस इज सावधान इंडिया पॉइंट, सावधान इंडिया एग्जाम में पूछा जाएगा। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि एक ऑनर किस हद तक जिम्मेदार होगा, लाइबल होगा कर्जों के लिए, ठीक है। इस पे लिखता हूं मैं, अप टू विच एक्सटेंट ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट्स, किस हद तक जो ऑनर है, जो मालिक है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा कर्जों के लिए। तो देखो यार, फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने 5 करोड़ रुपए का कर्जा, 5 करोड़ तो ज्यादा हो गया, 50 लाख का कर्जा लिया और वो पे नहीं कर पाए, तो क्या होगा, बिजनेस की संपत्ति बिकेगी। अब कर्जा कितने का था, डेट कितने का था, डेट था 50 लाख का। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट बोलता है इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो सामान है इनके दुकान में, फर्नीचर है, मशीनरी है, बेचो सब, इसको सेल आउट करो। सेल आउट करने के बाद वो लेट सपोज 35 लाख के ही बिके, यानी कि जो बिजनेस की प्रॉपर्टीज हैं, जो बिजनेस के एसेट्स हैं, वो सिर्फ 35 लाख के ही बिके, तो बस फिर तो और कुछ पे नहीं हो सकता भाई, कर्जा 50 का था, संपत्ति वगैरह सब बेच दी, सिर्फ 35 लाख आया। अब यहाँ पे जो 15 बचा, उसके लिए ऑनर का मकान बेचा जाएगा, ऑनर की गाड़ी बेची जाएगी, ऑनर का घर का सामान बेचा जाएगा। यानी यहाँ पे ऑनर अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस के कर्जे नहीं चुका पा रहा, समझ रहे हो, बिजनेस का कर्जा है वो नहीं चुका पा रहा, तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी बिकने लगेगी, उसका घर का सामान बिकना लगेगा। ये जो लाइबिलिटी है जिसमें घर का सामान भी बिकने लगे, उसको कैसी लाइबिलिटी बोलते हैं हम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको हम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो बेटा जी, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में ऑनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब कि अगर उसने कर्जा लिया और वो नहीं चुका पाया, तो उसके पहले तो बिजनेस एसेट्स बिकेंगे, अगर वहां से कर्जा उतर गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं उतरा तो फिर घर की संपत्ति भी बेची जाएगी, उसके बाद जितने भी घर में एसेट्स होंगे उसको वो बेच के कर्जा उतारना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये तो बड़ा डेंजरस काम हो गया, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसका एक डीमेरिट भी बन जाता है, इस फॉर्म का एक डीमेरिट है, नेगेटिव पॉइंट है कि यार अगर ये बिजनेस करूंगा और मैं कर्जा ना उतार पाया तो गड़बड़ हो जाएगी, लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड। तीसरा, इसमें सोल रिस्क बियरर, रिस्क भी वो अकेला बियर करता है, एंड सोल प्रॉफिट रेसिपिएंट, प्रॉफिट भी उसी का होता है सारा, मतलब यार अगर पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट बांटना पड़ेगा यार, रिस्क भी बांटेंगे, प्रॉफिट्स भी बांटेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये अकेला ही रिस्क लेता है और सारा प्रॉफिट भी इसी का होता है, यही तो फायदा होता है इसके अंदर, ये फटाफट अपना रिस्क ले जितना लेना चाहता है और पैसा घर लेके जाए। तो सोल रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट। कंट्रोल किसका होगा जी, कंट्रोल सारा का सारा ऑनर का होगा, किसी तरीके का कोई और प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सारी डिसीजन मेकिंग खुद करेगा, और इसी वजह से इसकी जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो डिसीजंस होते हैं वो क्विकली ले पाता है, ये क्विक डिसीजन मेकिंग, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि जब तक कोई पार्टनरशिप फर्म सोचेगी, डिसाइड करेगी, तब तक तो ये एक्ट कर जाएगा बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे, अगर कोई अपॉर्चुनिटी आई है ना, तो अपॉर्चुनिटी फटाफट ग्रैब कर लेगा, क्योंकि इसको सोचने की जरूरत ही नहीं है यार कि किसी से मुझे किसी से डिस्कस करना है, मेजॉरिटी चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, अकेला ऑनर है, जब जो मन करे कर सकता है, तो डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक हो जाती है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है पहचान, आइडेंटिटी। लॉ ये बोलता है कि इस बिजनेस को कोई भी अलग से पहचान नहीं मिलेगी, यानी कि बिजनेस और ऑनर एक ही है, समझ रहे हो, कि बिजनेस एंड ऑनर आर वन एंड द सेम, एक ही है, अलग अलग नहीं है। अगर अलग अलग होते तो लोग बहुत फायदा उठाते थे कि यार लोन तो बिजनेस ने लिया, मैं क्यों दूं, मेरा बिजनेस ही देगा, बिजनेस से लो, बैंक से लोग बिजनेस लोन भी तो लेते हैं बिजनेस के नाम से, तो जब बैंक लेने के लिए आया वापस तो बोलता है मुझे क्या पता, बिजनेस से लो, गड़बड़ हो जाती है नहीं हो जाती। तो कोई भी अलग एंटिटी नहीं दी गई है, बिजनेस एंड ऑनर आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, अब देखो यार अकेला इंसान है, बीमार होगा तो भी बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, वो इंजरी होगी तो भी प्रॉब्लम आएगी, जेल जूल चला जाएगा तो भी प्रॉब्लम आएगी, तो यानी किसी भी प्रकार की इंजरी, कोई भी डेथ, उसकी इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी आपने अकाउंट्स में पढ़ा है ना कि उसकी सारी संपत्ति बिक गई, उसके बाद कुछ नहीं बचा, कंगाल हो गया बिल्कुल, दिवाला निकल गया उसका, इंजरी, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ल्यूनेसी, पागल हो गया,
है ना, पागल भी तो हो सकता है ओनर, कुछ भी हो सकता है। तो भाई कुछ भी प्रॉब्लम आई इस तरीके की, जेल में चला गया अगर इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम आई, इम्प्रिजनमेंट, इन सब से ही बिजनेस बंद हो जाएगा। तो जो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी है वो लैकिंग है। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी कैसी है जी? लैकिंग है, लैक करता है हमेशा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। बिजनेस कॉन्टिन्यू नहीं चलता, लगातार नहीं चलता, ठीक है। तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी इज ऑलवेज लैकिंग। ये हमारे पास इसके कुछ फीचर्स हैं। अब मेरिट्स पे चलें, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हो। सबसे पहला फ़ायदा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्योंकि एक अकेला ऑनर है, एक सिंगल ऑनर है, उसको किसी से पूछना नहीं है, कुछ डिस्कस नहीं करना, जहाँ उसे अपॉर्चुनिटी दिखी वो फटाफट क्विकली डिसीजन ले सकता है। तो द डिसीजन मेकिंग इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज वेरी क्विक, ओके। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है बेटा जी सीक्रेसी। अब इसको ना दूसरे फॉर्म्स के साथ कंपेयर करा गया है। सर दूसरे फॉर्म्स के साथ मतलब जैसे कंपनीज हैं, अब तुम्हें किसी कंपनी के बारे में उसकी अकाउंट्स देखने हैं, उसका प्रॉफिट्स जानना है, तुम लोग बस गूगल करना, उसकी स्टेटमेंट सामने आ जाएगी कि यार ब्रिटानिया कितना कमा रहा है, यार हमारे पास कोई भी कंपनी ले लेना, अमूल कितना कमा रहा है, अमूल तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में चला गया, या कोई भी कंपनी ले लेना, डेल कितना कमा रहा है, एचपी कितना कमा रहा है, एप्पल कितना कमा रहा है, ये कंपनीज कितने कमा रही हैं, गूगल करो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वो डिटेल किसने दी? कंपनी ने खुद दी। कंपनीज के ऊपर ये कंपल्शन होता है, बर्डन होता है, उनको अपनी डिटेल देनी ही पड़ती है जनता को। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है, सोल प्रोप्राइटर के ऐसा कुछ नहीं है, वो जो कमा रहा है चुपचाप कमा सकता है, कम कमा रहा है ज़्यादा कमा रहा है अपना घर लेके जाए, कॉन्फिडेंशियल रहती है उसकी इन्फॉर्मेशन। वो अपने बिजनेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाउंड बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कैसी रहती है? कॉन्फिडेंशियल। डायरेक्ट इंसेंटिव बेटा, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब डायरेक्टली सारा पैसा इसका, डायरेक्टली, किसी के साथ शेयर नहीं करना, कोई पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंसेंटिव है। ज़्यादा काम करूँगा ज़्यादा कमाऊंगा, कम काम करूँगा कम कमाऊंगा, इंसेंटिव डायरेक्ट है, ठीक है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट जानते हो, शाबाशी, अपने लिए काम करके बड़ा अच्छा लगता है यार, कि अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैं 4 घंटे काम कर रहा हूँ तो मुझे 4 घंटे के लिए प्राउड फील होता है, 6 कर रहा हूँ तो 6 घंटे के लिए, 8 कर रहा हूँ तो 8 घंटे के लिए। मैं खुद को ही धोखा थोड़ी ना दूंगा, मैं हमेशा कुछ भी अचीव करके अकम्प्लिश्ड फील करूंगा, फुलफिल्ड फील करूंगा, हैप्पी फील करूंगा। तो एक सोल प्रोप्राइटर हमेशा सेंस ऑफ अकम्प्लिश्ड फील करता है, हैप्पी फील करता है, उसको अच्छा लगता है यार काम करके, तभी तो बिजनेस ग्रो होता है। तो सोल प्रोप्राइटर ऑलवेज हैज अ फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद ईज ऑफ फॉर्मेशन क्लोजर, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, कि फॉर्मेशन भी आसान, क्लोजर भी आसान, ये तो इसके मेरिट्स में आ जाएगा। अब देखते हैं इसके क्या क्या नुकसान है। क्या नुकसान है जी? 4 नुकसान लिखे हैं हमारे पास। सबसे पहला, लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपने यही सुनी होगी, मुझे बताना, आप अपने घर में भी ये डिस्कस करते होंगे, आपके पेरेंट्स अगर वो सोल प्रोप्राइटर हैं, कि हमारे शॉप में या हमारे बिजनेस में कैपिटल की कमी है। अब अकेला इंसान यार कहाँ तक पैसा लगाएगा? एक अकेले इंसान के पास रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती, पैसा हमेशा लिमिटेड। हम लोग इनिशियली स्टार्टिंग से अपने पेरेंट्स से ये सुनते आए हैं बात, कि यार हम लोग अपने बिजनेस को इसी एक्सटेंट तक क्यों रख पाए, क्योंकि कैपिटल की कमी थी, पैसे की कमी थी। पैसा कभी भी इतना था ही नहीं कि हम बिजनेस को बहुत बड़ा करते, क्योंकि बिजनेस तो पैसे से चलता है यार, कैपिटल लगाओगे तो चलेगा। आजकल तो बिना पैसे से चलने वाले भी बहुत सारे बिजनेसेस आ गए हैं, मैं भी वो बिजनेस की सारी चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ अपने दूसरे चैनल पे। तुमने नहीं देखा तो देखना, रजत अरोड़ा टॉक्स, बहुत बढ़िया चैनल बनाया और सारी प्रैक्टिकल बातें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, काम आएगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा रहते हैं बेटा। किस केस में? अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर हो, अकेला इंसान कैपिटल कहाँ लगाएगा यार, उसको घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस कोई बहुत लंबे समय के नहीं चलते, फिर से वही दिक्कत, अकेला इंसान है, उसकी ज़िंदगी एक लिमिटेड है, उसके बाद बीमारी भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, इंजरीज भी हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस बिजनेस की लाइफ हमेशा लिमिटेड रहती है। कंपनीज देखो सालों साल चलती हैं, क्योंकि उसमें जो टाइटल है, जो ऑनरशिप है, वो बदलता रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये तो अगर ऑनर को कुछ हुआ तो बिजनेस बंद, उसका बेटा अगर चलाएगा तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, दोबारा से उसको शुरू करना पड़ेगा, एक बार के लिए तो बंद ही है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। उसके पर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी सेफ नहीं है, अगर वो कर्जा नहीं उतार पाया, कोई भी डेट नहीं उतार पाया तो। और लास्ट क्या होता है? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक इंडिविजुअल की बिजनेस को मैनेज करने की जो स्किल्स हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल करने की जो स्किल्स हैं, भाई हम लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से पढ़े हैं, हमें किसी सॉफ्टवेयर में कोई इशू आता है तो हम लोग अटक जाते हैं यार, हमें नहीं पता चलता, हम लोगों ने इतना ज़्यादा कंप्यूटर्स को यूटिलाइज़ नहीं करा। लेकिन जो लोग कंप्यूटर्स से ही पढ़े वो उस काम में एक्सपर्ट है, अगर उन्हें फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ अटक जाते हैं,
हम वहाँ नहीं अटकते। साइंस वाले केमिस्ट्री वाले उसमें परफेक्ट है वो, और तो एक इंसान चाहे कितना भी कैपेबल क्यों ना हो वो अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमेशा मैनेजीरियल एबिलिटी, चीज़ों को मैनेज करने की एबिलिटी बहुत लिमिटेड रहती है। दिस इज़ वाई ये बिजनेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता, बस ठीक ठाक लेवल पे ग्रो करता है, एक इंसान अच्छा कमाता है, फैमिली को अच्छी लाइफस्टाइल देता है, बस दिस इज़ इट। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम्स रहती हैं, डीमेरिट्स रहती हैं। ये चार डीमेरिट्स पढ़ी आपने, ये मेरिट्स पढ़ी आप लोगों ने, इसके सारे फ़ायदे देखे। फ़ायदे से पहले हम लोगों ने ये इसके फीचर्स देखे थे, और ये हमने इसके बारे में वैसे ही थोड़े से मैंने एग्जांपल्स दिए थे। अब अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप बिजनेस के साथ, और इसी तरीके से चलते चलते इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें परफेक्टली समझ आ गई होंगी, मज़ा आया होगा। अपनी NCERT खोलना आज, बुक्स जो भी बुक पढ़ते हो खोलना, और ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे। मैंने ये सारी चीज़ें कवर कर दी, अच्छे तरीके से रीड करना। स्टिल कोई इशू आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको अगली वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, एंड मस्ट शेयर द वीडियोस, सारी जगह फैला दो यार, पहुँचा दो सब जगह। थैंक यू एवरीवन।